अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे क्या? हाँ हाँ, अर्जेंटीना पहले से भी हाँ। तो कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? अभी बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट वर्ल्ड कप था लग मेसी का, जी जी, उस जीत होगी उसकी आखिर में। और हमारे एमएलए रिजवान अर्शद साहब ने इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया, शकील अहमद साहब, ये सब इधर बहुत पब्लिक भी थी। अच्छा, बहुत अच्छा स्क्रीन लगा के ऑर्गेनाइज करे, ऑर्गेनाइज करके बहुत पब्लिक थी यहाँ, यूथ को इंकरेज करे। माशाल्लाह, इंशाल्लाह हमारे भी इंडिया से आएगी टीम, इंशाल्लाह जरूर कोशिश रहेगी। आपका नाम क्या है? सैयद। यहाँ पर हमारे सैयद भैया चले, सैयद भाई से पूछते हैं उनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। नहीं, आज तो बहुत अच्छा लगा हमको देख के कि अर्जेंटीना जीती, और मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप भी था, रोनाल्डो भी टफ कंपटीशन था इसके लिए। और इसी बात से अगर इंशाल्लाह अगले 10 साल में या 5 साल में इंडिया भी आएगी तो बहुत अच्छी लग जाएगी हमको, क्योंकि ये तो यूथ को एक ये करने का ये रहेगा, हमारा एक कॉन्फिडेंस रहेगा आगे बढ़ाने के लिए। और कुछ भी करो, रिजवान अर्शद भाई का बहुत शुक्रिया रहेगा कि इन्होंने ये अच्छा काम किया, किसी बहाने देखने का मौका सेकेंडरी, और हमारी यूथ को एक ये लगेगा कि चलो ये भी कुछ करेंगे आज, नेक्स्ट हमारा भी एक ट्राई होगा, क्योंकि ये आज हमारी आम थोड़ी पीछे है शोखा में, इसमें उसमें ये देखेगी तो इंकरेज रहेगी कि चलो इसमें करेंगे क्या भी करेंगे। हमारे एक आवाम को एक मैसेज पहुँचेगा, शिवाजी नारा को एक बेंगलुरु का आपको बोल हब्बे है, यहाँ पे अच्छे भी आती हैं बुरे भी आती हैं, देखने वाला सुधरने का मौका ऊपर वाला सबको देता है, एक अमल मिल गया तो इधर हमें कहाँ की रहे। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा जीतने के लिए। और मेसी का था ना, रोनाल्डो, हम तो रोनाल्डो के फैन हैं, मेसी जीत गया कुछ नहीं कर सकते, वो सब तकदीर का खेल है। माशाल्लाह। जैसा कि दोस्तों अभी अभी आपने यहाँ पर हमारे मोहम्मद इदरीस भाई की और हमारे सैयद भाई की, साहिल भाई की, दिलशाद भाई की दिल की आवाज़ सुनी। यहाँ पर जो रिजवान अर्शद एमएलए जो है यहाँ के शिवाजी नगर के एमएलए और एक्स कॉरपोरेटर शकील अहमद साहब, ये दोनों ने मिलकर एक बहुत अच्छा सा यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पर फाइनल जो फ्रांस और अर्जेंटीना के अगेंस्ट जो मैच चली वहाँ पर पूरा ऑर्गेनाइज करके इन्होंने बहुत अच्छा सा सब लोगों को देखने का मौका इनायत किया। और हमारे यंगस्टर का कहना है कि हमारे इदरीस भाई का भी कहना है कि हमारी इंडिया की जो टीम है आने वाले वर्ल्ड कप से पहले हमारी इंडिया को भी फुटबॉल में बिल्कुल क्वालिफाई होकर फुटबॉल में आना चाहिए, और इंडिया को भी वर्ल्ड कप हासिल करना है, यही हम सब लोगों की दुआ और हमारा मकसद है कि हमारी इंडिया भी फुटबॉल टीम में आना चाहिए। और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मोहम्मद इदरीस भाई का कि आपने अपने दिल की आवाज़ पेश की, और सैयद भाई, साहिल भाई, दिलशाद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी दिल की आवाज़ पेश की। और मैं सब लोगों को फिर से एक बार मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे किसी अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, जय।